दर्शक साथियों राम राम भाई, मैं आपका देसी पत्रकार मनीक जागलान गांव उकलाना हलका में निकल रहे आज गांव कनो के अंदर। कनो के वोट यहां पे पोल हो रहे, स्कूल में सरकारी स्कूल है तो उरा कुछ कार्यकर्ता खड़े हैं, उनसे बात करेंगे किसका माहौल के है। बिल्कुल बहुत अच्छे से वोटिंग चल रही है गाँव कनो के अंदर, चलो इन भाइयों से बात करेंगे। भाई राम राम। राम राम भाई। तो भाई किसे एक वोटिंग होने लग रही है? बढ़िया वोटिंग चल रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भाईचारा था। माहौल कैसा है? माहौल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, शांत शांत बिल्कुल। वोट किसने दिया है? वोट जेजेपी। जेजेपी, हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई, क्या नाम है सर? राम कुमार। राम कुमार, गाँव का माहौल कैसा चल रहा है जी? एक नंबर का, बढ़िया है। किसने जिताया कार्ड? हो दुष्यंत ने। दुष्यंत ने, टक्कर किसका गला है? टक्कर का तो कुछ है ही नहीं, टक्कर को नहीं आड़े, टक्कर है को नहीं। भाई राम राम। राम राम भाई, कितने वोट्स है भाई गांव में टोटल? गांव में वोट्स है 5,500। 5,500, हाँ। कितने पोल हाउस का है? पोल हो जाएंगे 80-84% पोल हो जाएंगे। 80-84% पोल हो जाएंगे, हाँ। भाई साहब राम राम। राम राम भाई, कैसा माहौल चल रहा है? एक नंबर का माहौल है, बढ़िया माहौल है जमा। तो पूरा दिन वोटिंग चलेगी या सवेरे सवेरे डाल दो सारे? ना सब दिन चल रही है, सब दिन टपा देंगे। वोट बन रहे हैं? बन रहे हैं। गेड़ है? गेड़ है। किसका गेड़ क्या है? जेजीपी का। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम सर? वजीर। तो गांव में टोटल वोट कितने बताए थे? टोटल 4200 वोट है। 4200, कितने पोल हाउस का? 3800 वोट पोल हाउस का। 3800 वोट का मतलब है अनुपधान के कितने मानो? 2700-2800 वोट मानो। 2700-2800, यानी जीत यहाँ से अनुपधान क्लियर है। और कितने परसेंट वोट पोल मापना में बताए दिए? तो किसा का माहौल रहेगा गांव का? माहौल बढ़िया रहेगा, जमन शांत, जमा जमा शांत रहा, मतलब कोई शांत रहा। ठीक है जी, ये था भाई गांव कनो का। और भी पार्टियां के कार्यकर्ता है उनसे मिलांगे, मैं कैमरामैन को बोलता हूँ वही साइड आए एक बार, बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता उनसे बात करांगे। भाई राम राम। नमस्कार जी। नमस्कार, ठीक हो? हाँ ठीक है। क्या नाम है सर? सतपाल। सतपाल, तो किसको वोट डाल रहे हो? बीजेपी को। बीजेपी को, हाँ। क्या समीकरण है काम का? समीकरण में दिवाली हम आज ही मना रहे हैं। आज ही मना रहे हैं? 27 की दिवाली थी, हम आज ही दिवाली मना रहे हैं। ये देखिए भाई, खुला उत्साह देखने को मिल रहा है गांव कनो के अंदर, बिल्कुल। तो कितने वोट मानो हारता है? हमारे गांव में कम से पहले 29% जीता था, कम 150% जीता है कनो के अंदर। यानी पहले कितने वोट जीता था बीजेपी? अच्छा, 150 के आसपास जीता है। 150 के आसपास बीजेपी की जीत जा रही है भाई, बिल्कुल खुला बोल रहे हैं। ऐसा है, जो ऐसी पर्ची है जो हमारी कोई दिखावा नहीं कर रही, नीचे नीचे बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है जी, सबसे मतलब बढ़िया माहौल ये हमारे गांव में, वैसे माहौल शांत रहे, शांत है। जमा दिवाली आज ही मना रहे हम तो खुशी में। ठीक है जी, प्रशासन के साथ कोऑपरेट करना है आप लोगों को, एक संदेश दे रहा हूं भाई मैं सारे साथियों को, दर्शक साथियों को, जहां पे भी मतदान होने लग रहे हैं वहां पे आप प्रशासन का सहयोग करें और अच्छे तरीके से मतदान करें। कनो तो बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। हाँ बहुत ठंडी है, कमल का बटन दबाओ और वोट दो। हाँ जी मास्टर जी। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे थे? बोलो आप। मैं ये बोल रहे जी, जो बीजेपी सरकार ने है ना 5 साल में कोई काम नहीं किए। अच्छा जी, आम आदमी के लिए उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। हमारे स्कूलों की जो स्थिति है वो बहुत बुरी है। वोट किसको डाल रहे हो आप? वोट तो हम जेजेपी को कर रहे हैं। जेजेपी को कर रहे हो? हाँ जी। क्या समीकरण है गांव का? गांव में कम से कम 500 वोटों की जीत है दुष्यंत की। भाई देखो कुछ समझ में नहीं आने लग रहा है, कोई 150 कान लग रहा है, कोई 500 कान लग रहा है। इसे त्रिया हमारे साथ जुड़े रहियो, और भी बूथा पर लेके जाओगे, सारी डिटेल आप लोगों को बताओगे। जय हिंद, जय हरियाणा।